ऑपरेशन हाईवे के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग पर संगीन वारदात करने वाले अंतर्राज्यीय कुख्यात धर्म सुल्तान गैंग के विरुद्ध जिला जयपुर ग्रामीण की 34वीं बड़ी कार्रवाई और नेशनल हाईवे पर हत्या लूट डकैती के अंतर्राज्य गैंग की कुख्यात संजना सहित 8 सदस्य डकैती की योजना बताते हुए गिरफ्तार। इनके कब्जे से एक अवैध पिस्तल, दो देसी कट्टे, 16 जिंदा कारतूस, चाकू, लादर हथियार, लोहे की चैन, दो अपाची बाइक की लुटी है, एक होंडा साइन वाली, एक स्प्लेंडर प्लस, सहित 4 मोटरसाइकिल और 8 मोबाइल जब्त किए गए। इसका घटना का विस्तार से बता रहा हूँ आपको कि कल हमारे सुभाष कांस्टेबल थाना सातपुरा में वनाधिकारी महेंद्र सिंह को 8-10 व्यक्ति थाना सातपुरा एरिया में सुनसान जगह वहाँ किसी पैदल को रोकने की योजना इस सूचना पर वनाधिकारी महेंद्र सिंह पास कॉन्स्टेबल और बाकी जो टीम है वो पहुँची वहाँ पर पहुँच के इन सभी 8 जो लोग उपस्थित थे उनको दर्द पहुँचा और उनके कब्जे से ये हथियार वाहन बरामद किए हैं। कल रात को आज बड़ी पूछताछ की गई, पूछताछ करने पे ये सामने आया कि इस गैंग में 2 सदस्य तो हरियाणा के रहने वाले हैं और बाकी जो 6 लोग हैं वो सातपुरा और राजनगर से हैं। पिछले कुछ दिनों से कोटपुट्टी में भी एक मर्डर हुआ था, टैक्सी चालक था, राजकुमार नाम का व्यक्ति था। वो मर्डर 29 जनवरी को हुआ था। उसमें स्विफ्ट डिजायर गाड़ी थी, गाड़ी जो चालक था उसका मर्डर किया गया था, गाड़ी लूटी गई थी। उसके पश्चात जो सेकेंड वारदात हमारे एरिया में थी 8 फरवरी को थाना विराटनगर एरिया में पेट्रोल पंप लूटा गया था। लूटने का प्रयास था, लाइट जाने की वजह से लूट नहीं हो पाई। तीसरा दिनांक 12 फरवरी थाना सातपुरा एरिया में एक ब्रेजा गाड़ी लूटी गई। ये 3 बड़ी वारदातें जब हमारे एरिया में हुई थी तो हमारी विशेष टीम भरतलाल जी मीणा बिजनेस की कोटपुतली CO सातपुरा नेहा अग्रवाल और SHO सातपुरा के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया। ये लोग प्रयास कर रहे थे पूरा और इस गैंग ने कई जगह लूट, मर्डर, वाहन चोरी की वारदातें कर रखी हैं। इस जो गैंग है, गैंग का जो चीफ है धर्मा पंडित, ये धर्मा पंडित ही रहने वाला है सापुड़ा एरिया का और इसकी जो दोस्ती है वो हरियाणा के 2 लोग हैं, गजेंद्र उर्फ गज्जी उर्फ कालू, वो दारूगढ़ा के रहने वाले हैं। वो 5 वर्षों से सापुड़ा में ही रह के काम कर रहे हैं। इसका दूसरा साथी है धर्मेंद्र उर्फ चक्कू, वो भी दारूगेड़ा का रहने वाला है लेकिन पिछले 1 माह से सातपुरा शहर है, एक कमरा किराए पर लेकर रहे। ये दोनों मास्टरमाइंड है गजेंद्र और धर्म, जो हरियाणा के रहने वाले हैं, जो काम कर रहे हैं। और इनका चीफ है धर्मा पंडित, जो अभी दिसंबर में ही जेल से छूटा है। जो जेल से जो छूटा है, जिस आरोप में ये बंद था, आरोप ये था कि प्रतापगढ़ में उन्होंने लूट की थी अलवर में, मनोजपुरा एक टीम लीडर बन के, उसका गैंग का लीडर बन के, और कई वारदातें ये करवाने का प्रयास करा था, कुछ वारदात से करवा दी। जयपुर ग्रामीण पुलिस की एक बहुत बड़ी सफलता पुनः हुई है, उसके लिए मैं मेरी टीम नेहा सुभाष कांस्टेबल रिवार्ड भी दे रहा हूँ, सम्मानित भी कर रहा हूँ। ये गाड़ी अपाची भी इन्होंने थारूगढ़ा में लूटी थी, वहाँ से लूट के और धरना साहब का एरिया में आके इन्होंने भेजा गाड़ी दी, इसकी एक बड़ी सफलता है। इसमें आगे हम आज इनको केस कर रहे हैं, आगे इनका रिमांड लिया जाएगा और इन्होंने क्या क्या वारदातें और कर रखी है। अभी तक जो जानकारी में आया है उसके मुताबिक जो गैंग लीडर धर्मा पंडित
उसके खिलाफ नौ मुकदमे दर्ज हैं और सभी गंभीर अपराध प्रकरण दर्ज हैं। उसके डिमांड आने पर उसके मुताबिक रोटी का सारे मथुरा से खरीदे उस पर हम तफ्तीश कर रहे हैं, हमारी टीम बेची हुई है, अनुसंधान किया जाएगा कि वो क्या क्या बहुत अच्छे क्वालिटी का हथियार है, वो उसको मालूम है बहुत अच्छी क्वालिटी का हथियार है और बहुत दुस्साहस ही है। सर ये पढ़े लिखे हैं या बिल्कुल ये पढ़े लिखे भी हैं और उनकी उम्र जो है वो 20-25 साल के आसपास है। हाँ तो उम्र हरियाणा के लोग उनकी उम्र 20 और 25 के बीच में उनको ये बच्चा पुकारते हैं, धर्मा पंडित को ये गुरु कहते हैं, गुरु और बच्चा का ये इनका निकनेम रखा है।